दोस्तों, अगर आप WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है। अगर आप WhatsApp यूज़र हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आजकल हैकर नए नए तरीके अपनाकर WhatsApp पे फ्रॉड कर रहे हैं। आजकल हैकर ने एक नया तरीका निकाला है जिसके द्वारा आपके चैट्स और WhatsApp डाटा कोई भी देख सकता है। इस तरह के हैकर से बचने के लिए WA Beta Info ने सभी WhatsApp यूज़र को अलर्ट रहने के लिए कहा है और कई बातों का ध्यान रखने के लिए भी कहा है, और कहा है कि WhatsApp कभी भी अपने यूज़र को खुद से मेल करने के लिए नहीं बोलता, और अगर आपको इस तरह के मैसेज आते हैं तो आप सावधान हो जाएं, नहीं तो आपके फ़ोन की पूरी डिटेल्स, चैट्स तथा आपका बैंक अकाउंट्स पूरी तरह से खाली हो सकता है। इसके अलावा यह भी कहा है कि WhatsApp का कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि एक मैसेज आता है और मैसेज में यह कहा जाता है कि WhatsApp का लाइसेंस बढ़ाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो समझ जाना कि यह फ्रॉड मैसेज है और आप इनमें ना फंसे। दोस्तों, हैकर आपकी आईडी हैक करने से पहले आपकी ईमेल आईडी मांगता है, तो आपको किसी अनजान व्यक्ति को अपना ईमेल आईडी नहीं बताना है और साथ ही ओटीपी नंबर भी किसी से शेयर नहीं करना है। दोस्तों, WA Beta Info ने एक यूज़र का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था जिसमें हैकर यूज़र से कहता है कि आपके फ़ोन में एक 6 डिजिट का मैसेज आया है, यह नंबर हमें बताएं। तो इस तरह के मैसेज का रिप्लाई आपको नहीं देना है, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो सकता है। साथ ही WA Beta Info ने यूज़र से कहा है कि अगर आपके पास इस तरह के मैसेज आता है तो आप सावधान हो जाएं, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड